अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तिदा चौमे थे, सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। मगर इससे पहले रुकिए, हमारी वीडियो को देखने से पहले लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। इसके लिए आपको बेल आइकॉन प्रेस करना होगा। अच्छा, मेरे हाथ पे ये मेरी कैट के निशान हैं, तो उस पर दवाई लगाई हुई थी, तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। और ये मेरी वीडियो बनाते हुए और मैं अपनी ड्रेस दिखा रही थी, ड्रेस बहुत ही खूबसूरत थी, आप ज़रूर देखिएगा। इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक अटैच कर दिया है। और ये मेरा सफ़र स्टार्ट हो चुका। वैसे हमें वक्त पे निकले थे, मगर रास्ते में ट्रैफिक की वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गया था। रमज़ान यानी हमारा सनसेट उधर ही हो गया था, यानी मगरिब का टाइम हो गया था, और मगरिब का टाइम यानी रोज़े का टाइम हो चुका था। और हम साथ कुछ खाने पीने के लिए नहीं लेकर आए थे, तो रास्ते से पानी वगैरह लिया और अपना रोज़ा खोला। ये हमारी मंजिल मकसूद बस आने ही वाली है रास्ते में। यानी मैंने बहुत एडिट करी है वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप लोग थोड़े से टाइम में बहुत सारा इन्जॉय कर सकें। आज हम जिस जगह पे आ रहे हैं यानी जा रहे हैं, वो है हवेली। हवेली हाईवे की तरफ पड़ जाता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अमेजिंग इसकी रेट्स और प्लेस की तो बात ही मत करें। आज हम जिस जगह जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है, उसकी जगह और लोकेशन भी बहुत ही प्यारी है। तस्वीरों के लिहाज से, खानों के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। वीडियो देखती रहिएगा, फीडबैक ज़रूर दूँगी लास्ट में वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए, पर मेरे से गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो मेरी सिस्टर ने हेल्प करी, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं फिर गाड़ी से उतरी। ये हमें नाम दिखा रही थी जगह का, और ये आपको लोकेशन थोड़ी बहुत दिखाते हुए आपको, क्योंकि हम जल्दी थे, क्योंकि अफ्तार का टाइम यानी बुफे स्टार्ट हो चुका था और ज़्यादा 2 से 2.5 घंटे का ये टाइम था। इस टाइम में मुझे वीडियो भी बनानी थी, इंजॉय भी करना था और खाना भी खाना था। इसके जो टाइमिंग की बात की जाए, 6 से 8 तक और 8:30 तक ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइमिंग थी कि आप इसमें एंजॉय भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं और घूम फिर भी सकते हैं। रोज़ा तो हमारा रास्ते में ही खुल गया था, तो हमने इफ्तार का थोड़ा बहुत खाना यानी स्नैक्स वगैरह ले लिए थे, यानी चिकन के रोल थे, चिकन के समोसे थे, पकोड़े थे, मिर्ची वाले पकोड़े थे, रूअफ़ज़ा थे। रूअफ़ज़ा 2 किस्म का था, एक मिल्क वाला और एक दूसरा। फिर हमने थोड़ा वेट किया, फिर हम अपने बुफे की तरफ गए। बुफे में बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस रेसिपीज थी, हर एक थी। अब नाम तो मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर नहीं कर सकती, आप इसमें काफ़ी डिशेस थी, आप देख रहे होंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। और इसके टेस्ट भी बहुत ही आला तरीन, हलीम हो गई, नान हो गए, बीच में चपाती वगैरह, पूड़ियाँ, पाकिस्तानी डिशेस, चाइनीज़ डिशेस यानी मंचूरियन, चिकन मंचूरियन, हलीम कॉर्न यानी सूप्स भी थे, रोल्स वगैरह यानी बिरयानी, कबाब, सीख बारबेक्यूज, मंचूरियन, ये काफ़ी यानी डिशेस थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी और डिलीशियस थी। मैंने थोड़ी थोड़ी ना डिशेस चखी थी और बहुत ही यम्मी और डिलीशियस थी। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और ये लास्ट में स्वीट की तो बात करते हैं। इस स्वीट के टाइम पे मैं हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके थे, तो हमें नीचे जाना पड़ता था कि कुछ भी लेना हो, तो इसलिए ना फिर स्वीट की बारी में मैं नीचे नहीं गई। और जब स्वीट की बारी में जाना चाहिए था नीचे, चॉकलेट फाउंटेन वगैरह, चॉकलेट फाउंटेन, आइसक्रीम, बहुत ही सारी डिज़र्ट वगैरह, मीठे की वैरायटी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो मेरे को ना मेरे सिस्टर ने कुछ ला के दी थी, तो मैं वो इंजॉय कर रही थी, क्योंकि अगर मैं नीचे जाती ना तो सच में ना मैं सारा मीठा खाती और मेरा वेट ना और ऊपर हो जाता। हमने अच्छी तरह खाना वाना खा लिया था, जितनी हमारी गुंजाइश थी खाने की। रोज़े पर पता है आपको कितना खाया जाता है, मैंने थोड़ा थोड़ा चखा था, उसमें ही पेट भर गया था मेरा। फिर हमने सोचा कि आपको हम चहलकदमी करते हुए साथ साथ आपको इस जगह की खूबसूरती दिखाएं और रेस्टोरेंट भी दिखाएं कि किस तरह का है। चलें आइए। टोटल 45 से अबव डिशेस थी, 6 से 7 तो मैंने खाई होंगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरी नमाज़ रह गई, तो मुझे इस बात का अफसोस था, और साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही थी। और उससे बड़ा अफसोस ये भी रहा था कि मैंने कुछ खाया नहीं, इतने सारे खानों की वैरायटी थी मेरे पास और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, जगह बनाई हुई है, खूबसूरत बनाया, व्यूज़ भी बहुत ही खूबसूरत थे इसके। और यहाँ पे इंजॉय करते हुए मैंने रील बनानी थी, तो मैं रील बना रही थी, आप देख रहे होंगे। तो ये मैंने कहा कि मेरी रील भी बनाओ, साथ साथ प्लेस भी दिखाती जाओ।
और माशाल्लाह से हवा बहुत अच्छी चल रही थी और व्यू साथ था, हवा आ रही थी, तो दिल नहीं कर रहा था कि घर चलें। तो यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही थी व्यूज़, और यहाँ पे फिर हमने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, क्लोजिंग की टाइम यानी बुफे तो ख़त्म हो चुका था, बस यहाँ पे कुछ लोग थे हमारे अलावा और कोई नहीं था। अच्छा, इसके बुफे के जो रेट थे ना 1499 बड़ों के और 1199 छोटों बच्चों के, 4 साल से ऊपर के बच्चों के, और जो 4 साल से छोटे थे उनकी फ्री थी। अच्छा, रेट्स बता दिए। और इसका जो मैंने एंट्रेंस व्यू सबसे पहले जो दिखाया था, यहाँ पे बुफे ख़त्म हो चुका था, आपको पता ही है टाइम ओवर हो चुका था, और ये हम जा रहे थे तो हमारे को यानी एक प्यारा सा चंदा मामा दिख गया, तो हमने इसके पास पिक्चर्स और ये फाउंटेन्स बनाए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, लोकेशन देख के बहुत ही ज़बरदस्त थे। हाँ, अगर खानों की बात की जाए और जायकों की बात की जाए, बहुत कुछ तो आला तरीन जायके और कुछ नॉर्मल, बुरे नहीं कह सकते, अच्छे थे। और ये हम कैंडी खा रहे थे तो मैंने सोचा कि इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए, तो मैं वही बना रही थी और ये साथ साथ व्यू इन्जॉय करते हुए। यहाँ पे हमारे जाने का टाइम हो गया था, और हाँ, रास्ते में हमने कुल्फी भी खाई इतना सब खाने के बाद भी। आई होप हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटा सा बुफे था, रमज़ान था, हवेली गए थे, बहुत ही खूबसूरत व्यूज थे। आई होप आपको भी पसंद आए होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।